जो राजीव राय को बोलना था, मैडम धन्यवाद आपने मौका दिया, जो राजीव राय को बोलना था बहुत सारी बातें राजीव प्रताप रोड़ी ने बोल दिया, तो नाम रास होने के नाते आधा फायदा उठाऊंगा। मैडम डीजीसीए को ज्यादा पावर दिया गया, बीसीएस को सेपरेट किया गया, बीसीएस हमेशा से इंडिपेंडेंट था। सवाल ये है कि जो पहला मुद्दा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी या डीजीसीए के अंदर ही रहेगी, और डीजीसीए के अंदर रहेगी तो जिम्मेदारी तय करने की रूपरेखा क्या होगी। जहाँ तक बीसीएस का सवाल है मैडम, मैं सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा कि बीसीएस को और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। टेक्निकली जितने भी इक्विपमेंट चाहिए हमें देने की ज़रूरत है। हर पैसेंजर को, हमारे देश की आबादी कितनी है, हम किसी अन्य देशों से ज़्यादा तुलना भी नहीं कर सकते। हर पैसेंजर को जो फिजिकली पैट डाउन किया जाता है, फिजिकली चेकिंग होती है, ऐसे स्क्रीनिंग मशीन जरूर होने चाहिए जो बाहर के एयरपोर्ट्स पे हैं, कि जहां सस्पिशियस डाउट हो उसी का चेक किया जाए, जिससे टाइम में भी बचत होता है। बेंगलोर के हमारे मंत्री जी बैठे हैं, हम लोग जब आज सुबह के फ्लाइट से आते हैं तो लंबा क्यू होता है और कई बार लगता है कि फ्लाइट छूट जाएगा। सही कहा राजीव प्रताप जी ने, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका दूसरा दुष्परिणाम भी है कि मेरे घर से बेंगलोर में, मेरे घर से एयरपोर्ट जाने में सुबह 45 मिनट तो दिन में 2 घंटे भी लग जाते हैं, और उसके बाद अगर सिक्योरिटी का स्मूथ प्रोसेस नहीं हो एयरपोर्ट पे तो उसका भी खामियाजा चुकाना पड़ता है। दूसरा मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो एयरपोर्ट पे स्टाफ है मैडम, कभी कभी ऐसे भी एयरलाइन है जहां एक या दो एयरक्राफ्ट उतरती हैं और उनको इंसिस्ट किया जाता है कि आप अपना स्टाफ रखो, जो स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है, कंफ्यूजन रहता है, उसके भी पैसेंजर को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। सवाल ये नहीं कि डीजीसीए को आपने इंडिपेंडेंट बना दिया गया, डीजीसीए को ज़्यादा पावर दे दिया, ज्यूरिडिक्शन ज़्यादा दे दिया। सबसे ज़्यादा समस्या जो हमारे जैसे लेमैन के समझ की है डीजीसीए के साथ ही है, चाहे पायलटों के साथ हो। फॉर इंस्टांस राजीव जी ज़्यादा जानते होंगे, मुझे जहाँ तक पता चला कि स्पाइस जेट एयरलाइन ने 6 महीने से 1 साल का नोटिस पीरियड कर दिया गया है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बंधुआ मजदूर के रूप में चाहे पोर्टर से लेके पायलट तक रखती है, उसका भी उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एयरपोर्ट में आप डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में जाते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल से इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट में जाते हैं, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, तो पैसेंजर को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सर कुछ और बातें हैं, मैं पिछली बार मंत्री जी को भी सुन रहा था, आज राजीव जी को भी सुना, एयर फेयर की बात सबकी चिंता है, और एक स्टैंडर्ड सवाल जवाब आता है कि एयर फेयर सरकार के हाथ में नहीं है, नहीं है ना मंत्री जी, तो नारा किसने दिया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, जब आपके हाथ में है ही नहीं तो नारा किसको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था। और आपकी अगर जिम्मेदारी नहीं है तो हम तो बचपन में सुना करते थे ब्लैक होता है, उस समय हम लोग बचपन में जहां से आते हैं यूपी बिहार के बॉर्डर पर किरासन तेल का ब्लैक होता था, चीनी का ब्लैक होता था, होता था ना हमारे गांव से, तो आपके बक्सर से हम किरासन तेल लेकर आते थे तो ब्लैक होता था। तो ये तो आपने ऑफिशियली परमिट कर दिया उनको कि जितना चाहो, चाहो तो यहाँ से बनारस का किराया 3,000 है, चाहे तो 30,000 ले लो और सरकार हाथ खड़ा कर दे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लूटने वालों को कंट्रोल में नहीं रख सके। ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मंत्री जी, या तो फिर देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि सर्वोच्च नेता ने, मैं नहीं कहूँगा सत्य नहीं कहा था, कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। चौथी बात मैं सर एयरपोर्ट्स की है, मैं और मेरी पार्टी इस बात के सख्त खिलाफ है कि एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। आप उनसे सर्विसेज हायर करिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एसेट्स को बनाया जाए, एसेट को बेचा नहीं जाए। एसेट को बेचने से आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है सर,
और हमारे यहाँ जो माँ बाप के बनाए हुए संपत्तियों को बेच देता है उसे अच्छा नहीं कहते हैं, थोड़ा रूढ़ शब्दों में बोलूँ तो नालायक कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मैं ये चाहूँगा कि जो एयर उसका दूसरा दुष्परिणाम होता है, जो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कास्ट कलकत्ता में 5,500 रुपया स्क्वायर फीट आता है, वो दिल्ली का बनता है तो 12,000 रुपया स्क्वायर फीट आता है, तो उसकी कीमतें कौन वसूलता है? उसकी कीमतें तो हमसे भी हमेशा वसूली जाती है ना। अभी CISF को हटा दिया गया मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी चेक पॉइंट से, प्राइवेट लोग आए हैं, अब वहाँ सिक्योरिटी का भी सरकार को देखना चाहिए। हम सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, उसके साथ कोऑपरेशन है, लेकिन सिक्योरिटी कैसे स्मूथ हो जाए इस पर भी ध्यान देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और जो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है, इस पर भी दो चीज़ मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव है, अगर एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में देश के सारे एयरपोर्ट्स को दे देंगे या अधिक से अधिक एयरपोर्ट को दे देंगे, एंड फॉर दैट मैटर यू हैंड ओवर मोस्ट ऑफ द एसेट्स टू एनी इंडिविजुअल एनी कंपनीज हैंड, और कल को उसका कुछ भी उल्टा होता है तो आपने तो पूरे देश के सिस्टम को एक हाथ में दे दिया है। और ये जो सॉफ्टवेयर जो मुझे समझाया गया है, बताया गया है, जो डायनामिक एयरफेयर की बात करते हैं, उन्हीं के हाथ में होता है। आप 5 बार चेक कर दीजिए एयरलाइन को, बेंगलोर का किराया कितना है, 6ठे बार देखिए तो सीटें उतनी ही रहेगी, किराया बढ़ जाएगा। इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेरे ये कुछ सुझाव थे जिसको मुझे लगता है कि सरकार अगर संज्ञान में ले तो अपने उस नारे को भी पूरा कर पाएगी कि हवाई, आजकल को हवाई चप्पल वाले तो सोच भी नहीं सकते वहाँ जाने के लिए, हवाई चप्पल वाले नहीं सोच सकते हैं, वहाँ के जो साफ से वहाँ कोई आम आदमी अगर चला भी जाए तो वहाँ कुछ उसके कैंटीन में खा नहीं सकता, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी पहली सरकार है कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में, और फिर वो बोलता हूँ कि शायद हम लोग का देश उन गिने चुने देशों में है जो हवाई चप्पल से वाले को हवाई जहाज का नारा देने वालों ने देश की इकलौती एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस को भी बेच दिया। तो बेचने का काम बंद होना चाहिए, बनाने का काम शुरू होना चाहिए। सिक्योरिटी है सर जो BCS को खास तौर से मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, इक्विपमेंट को अपडेट करने की ज़रूरत है, और सिक्योरिटी हैसल्स को दूर करने की ज़रूरत है। मेरे कुछ सुझाव थे, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।